हेलो दोस्तों, आप सभी का हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चैनल पर फिर से स्वागत है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी चैनल पर डेली जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट न्यूज या इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो डालता रहता हूँ, जिसे सुनकर आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी फेक एजेंट की बकवास तो सुनने वाले नहीं हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था जिसमें हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आने तक का जो प्रोसेस है उसे वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने ऑफ़र लेटर के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया जीटी प्रोसेस उसके बारे में, और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया का अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर है और आपको फ़ीस कब पे करनी है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सीओई के बारे में कि सीओई क्या है, आपको सीओई की आवश्यकता क्यों है, कि सीओई आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, कंडीशनल सीओई क्या है, और सीओई का जो करंटली प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या चल रहा है, और आपको सीओई प्राप्त करने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, ये सब कुछ जिसे सुनने के बाद आपका सीओई के बारे में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, और ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीओई है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीओई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके एजुकेशन प्रोवाइडर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज है या कॉलेज है, उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसी स्टूडेंट्स को। जिसका भी सीओई आता है उसको यूनिवर्सिटीज या कॉलेज ही कन्फर्म करता है कि हमने स्टूडेंट्स के एडमिशन को हमारे द्वारा कन्फर्म कर लिया है, स्टूडेंट्स ने हमारी सभी एलिजिबिलिटी होती है उनको पूरा कर लिया है जो भी यूनिवर्सिटीज की है, चाहे वो जीटी प्रोसेस हो गया और आपकी फ़ीस पे रहेगी, और जो आपका ओवरसीज हेल्थ कवर रह गया वो सब आपने पे कर दिया है। मेरे कहने का मेन मोटिव यही है, आपका सीओई तभी आता है जब आप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की सभी एलिजिबिलिटी पूरा कर लेते हैं, तभी वो आपकी सीट को कन्फर्म करती है किसी स्पेसिफिक कोर्स में। कोई भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की स्टूडेंट्स की जो सीट है हमारे इस कोर्स में कन्फर्म कर दी गई है कि इन स्टूडेंट्सों में से जो भी इस कोर्स के लिए आगे आने वाले हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, उनमें से एक स्टूडेंट ये भी है जिसकी सीओई आई है। तो दोस्तों, यही था सीओई का मतलब, कि सीओई की आपका जो एडमिशन है उसको कन्फर्म करती है कि इसका एडमिशन हो गया है हमारे इस कोर्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीओई इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की देती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सीओई पर आपका सीओई कोड होता है, साथ में आपकी जो कोर्स प्रोवाइडर है, आपने किस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया हो, आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज का नेम भी आपकी सीओई पर ही होता है, और साथ में आपका कोर्स का लेवल कौन सा है, आप किस डिग्री के लिए जा रहे, सर्टिफिकेट के लिए जा रहे या डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, जो जिसके लिए भी आप जा रहे दोस्तों, उसका ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग अलग लेवल होता है। अगर मैं बैचलर डिग्री की बात करूँ तो वो लेवल 7 में मानी जाती है मे बी। अगर मैं और की बात करूँ तो इस पे सीओई पे आपकी जो कोर्स की स्टार्ट डेट है और एंड डेट है वो भी होती है, और साथ में आपने कितनी फ़ीस पे की है इस कोर्स के लिए, कितनी फ़ीस डिपॉजिट की है ये होता है, और साथ में आपकी टोटल ट्यूशन फीस कितनी है किसी कोर्स के लिए जिसमें आपने एडमिशन लिया, जिसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं उसकी टोटल ट्यूशन फीस भी होती है दोस्तों, इसी पर ही लिखी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीओई का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है या कॉलेज है उनका 3 से 7 वर्किंग डेज का टाइम है प्रोसेसिंग टाइम, वो 3 से 7 वर्किंग डेज का टाइम लेती है आपको सीओई जनरेट करने में, आफ्टर जब आपकी कन्फर्मेशन आ जाती है, आप फीस डिपॉजिट करते हैं उसकी कन्फर्मेशन आ जाती है, तब 3 से 7 डेज का वर्किंग टाइम लगता है दोस्तों आपके सीओई आने में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सीओई की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सीओई की ज़रूरत आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लॉज करने के लिए पड़ती है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया वो स्टूडेंट्स वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। तो दोस्तों, आपको पूरी तरह एडमिशन तभी मिलता है जब आपके पास सीओई होती है। तो दोस्तों, इसलिए आपको एम्बेसी में फाइल लॉज करने के लिए आपके पास सीओई होना चाहिए।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कंडीशनल सीओई क्या होती है। तो दोस्तों मैं इसे आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट्स इंडिया में बैचलर डिग्री कर रहा है और वो फाइनल ईयर में है और उसने ऑस्ट्रेलिया मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया है, तब दोस्तों जो इसकी सीओई आएगी वो कंडीशनल सीओई आएगी। अगर वो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में पास होता है तो वो कंडीशनल सीओई अनकंडीशनल में चेंज कर दी जाएगी। जब वो अपना जो रिजल्ट आया वो पास हुआ फाइनल ईयर में, जब वो यूनिवर्सिटीज को भेजता है तब उसके अनकंडीशनल सीओई आएगी। अगर वो पास नहीं होता तो दोस्तों उसकी सीओई कैंसिल कर दी जाएगी। यही था दोस्तों, मुझे लगता आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सीओई आपको यूनिवर्सिटीज या कॉलेज कब देती है। तो दोस्तों मैं बार बार बताता रहता हूँ कि सीओई आपको तभी मिलेगी जब आप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की सभी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ऑफर लेटर आता है, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है उसके पास आपका जीटी प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आप फीस डिपॉजिट करते हैं और फीस की कन्फर्मेशन आती है, तब जाकर आपको यूनिवर्सिटीज या कॉलेज सीओई देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है आपका सीओई का बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि कुछ डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।